नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज का जो वीडियो है ना, ये हमारा फिफ्थ वीडियो है हमारी प्राइस एक्शन सीरीज के अंदर। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसका नाम है बुलिश एंड बेरिश एंगलफिन पैटर्न। अभी देखो, अब तक मैंने आप लोगों के साथ जो भी पैटर्न बताई थी ना, वो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न थी, और उसमें जो हमारा ट्रेडिंग डिसीजन होता था वो सिंगल कैंडल्स के बेसिस के ऊपर होता था, मतलब सिंगल कैंडल के बेसिस पे होता था। अभी आज जो मैं आप लोगों को पैटर्न बताने वाला हूँ ना, ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है, और ये बेसिकली एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर ये आपको समझो, अगर बुलिश एंगलफिन आपको अगर डाउन ट्रेंड में दिखाई देती है, तो देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि अभी ये स्टॉक का ट्रेंड बदलने वाला है या जो भी इंडाइसिस है उसका। और अगर आप लोगों को बेरिश एंगलफिन पैटर्न अगर आप लोगों को कहीं पे भी दिखाई देती है, तो वहाँ पे भी हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसका जो बुल रन था वो अभी ख़त्म होने वाला है और अभी हम लोगों को मार्केट बेरिश दिखने वाला है। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, मैं आप लोगों को दोनों पैटर्न कैसे फॉर्म होती है, उसमें हम लोगों को ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करना चाहिए वो बताऊँगा। उसके बाद आप लोगों को मैं कुछ एग्जाम्पल बताऊँगा जो एग्जैक्टली हम लोग टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल तो नहीं बोल सकते, बट हमारे चार्ट्स में विजिबल थे। तो आप लोग अभी मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, ये एक ट्रेंड है जो कंटिन्यूसली अपसाइड में जा रहा था, और ये ट्रेंड में कोई भी डिस्टर्बेंस अभी तक नहीं हो रहा था। और बेरिश एंगलफिन कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनती है, जैसे समझो अभी यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि ये ट्रेंड इतना खासा अच्छा चल रहा था, और ऊपर हम लोगों को एक ग्रीन कैंडल दिखाई देता है जिसके ऊपर और नीचे थोड़े बहुत आप बोल सकते हो कि अपसाइडोज और डाउन साइड में थोड़े बहुत शेडोज थे। अभी जो बेरिश एंगलफिन पैटर्न है ना, उसका बेसिकली मतलब क्या होता है, अभी नेक्स्ट डे क्या होगा कि यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न, मतलब एक कैंडल ओपन होगा, ये कैंडल के हाई के ऊपर ओपन होगा, और ओपन होने के बाद है ना वो कंटिन्यूसली नीचे ही आएगा, और जो प्रीवियस डे का जो ग्रीन कैंडल था ना उसको वो पूरा कवर कर लेगा। अभी यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने मिल रहा है कि ये जो रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल का जो पूरा बॉडी है, इसने ये पूरे ग्रीन कैंडल को कवर कर लिया है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी यहाँ पे जो ऑब्वियसली ये अपसाइड के ट्रेंड में आप लोगों को फॉर्म होते हुए दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अभी जो ट्रेंड जो अच्छा चल रहा था ना, वो शायद यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो अभी आप लोगों को यहाँ पे आपके ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करने चाहिए, बहुत ही सिंपल है। आप लोगों को और एक दिन का वेट करना चाहिए, और समझो नेक्स्ट डे मार्केट में अगर कैंडल ने ये जो रेड कैंडल है उसका लो ब्रेक किया, तो आप लोगों का ट्रेड यहाँ पे क्या होना चाहिए कि रेड कैंडल के लो के नीचे अगर कोई भी कैंडल जाता है ना, तो यहाँ पे आप लोगों को शॉर्ट, मतलब आप लोगों का शॉर्ट एग्जीक्यूट करना चाहिए, और आप लोगों का जो स्टॉप लॉस है वो रेड कैंडल के हाई के ऊपर, यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि अगर आप ये अप ट्रेंड में ये कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म हुई है, तो आपके राइट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ये था बेरिश एंगलफिन कैंडलस्टिक पैटर्न। अभी मैं आप लोगों को एक बुलिश एंगलफिन का एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ट्रेंड अच्छा खासा डाउन साइड में चल रहा था, और हम लोगों को यहाँ पे क्या चाहिए, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न का एक कंफर्मेशन चाहिए। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि लास्ट में एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ है। अभी यहाँ पे क्या होगा कि एक नेक्स्ट डे है ना, एक कैंडल नीचे फॉर्म होगा, मतलब थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलेगा ये रेड कैंडल के, और इसका जो क्लोज है वो इसके हाई के ऊपर होगा। तो अभी यहाँ पे एग्जैक्टली उल्टा हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो लास्ट का जो रेड कैंडल था उसके नीचे तो हमारी ओपनिंग हुई थी, मतलब उसके लो के नीचे हमारी ओपनिंग हुई थी, पर डे ख़त्म होते होते ये कैंडल ने पूरे प्रीवियस डे के कैंडल को कवर कर दिया। इसलिए हम लोग एंगलफिन बोलते हैं, क्योंकि प्रीवियस कैंडल को पूरा कवर करता है। अभी यहाँ पे आप लोगों का ट्रेड कैसे आप लोगों को एग्जीक्यूट करना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। अगर उसके बाद कोई कैंडल ये वाले कैंडल के हाई को ब्रेक करता है, तो जैसे ही वो कैंडल हाई ब्रेक करता है, यहाँ पे आप लोगों को बाय करना चाहिए। आप लोगों का स्टॉप लॉस ग्रीन कैंडल के लो का जो प्राइस है, वो आप लोगों का स्टॉप लॉस हो यहाँ पे हो जाएगा, और आप लोगों की एंट्री जैसे ही कोई नेक्स्ट कैंडल ने ये वाले कैंडल का हाई ब्रेक किया, वैसे आप लोगों की एंट्री यहाँ पे आनी चाहिए। तो इस तरीके से बुलिश एंगलफिन और बेरिश एंगलफिन कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होती है, और हम लोगों को इसी तरीके से इसमें ट्रेड लेना चाहिए। अभी देखो, ये पैटर्न है ना बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि ये एक रिवर्सल पैटर्न होती है। अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो, तो आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो बहुत ही अच्छा आता है। अभी मैं आप लोगों को बताऊँगा आप लोगों को कभी एग्जिट करना चाहिए उसके बारे में। अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे बुलिश एंगलफिन और बेरिश एंगलफिन के बारे में।
पर उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि अगर आप मार्केट में बिगिनर हो और आप लोगों को प्राइस एक्शन के बारे में और ज्यादा जानना है तो ऑब्वियसली मेरी जो सीरीज है वो तो आप लोगों को काम करेगी ही करेगी। बट यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बुक सजेस्ट करूंगा, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग बाय मिस्टर इंद्रजीत सांताराज। अभी यहाँ पे ये जो ऑथर है ना, उन्होंने प्राइस एक्शन के बारे में बहुत सारी चीजें बताई है कि आप प्राइस एक्शन को और वॉल्यूम को यूज करके कैसे इंट्राडे ट्रेड, कैसे स्विंग ट्रेड और कैसे पोजिशनल ट्रेड कर सकते हो। और ये एक मार्केट में जो भी बिगनर है उसके लिए ये बुक बहुत ही काम आएगी। तो अगर आप लोगों को प्राइस एक्शन के बारे में और ज्यादा जानना है तो आप ये बुक को जरूर रीड करिए। अगर आप लोगों को बुक रीड करने का टाइम नहीं मिलता या फिर आप लोगों को बुक रीड करना ज्यादा पसंद नहीं है तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कुकू FM ऐप। अभी कुकू FM ऐप पे जो मैंने आप लोगों को अभी जो बुक सजेस्ट की वो बुक को आप पूरा ऑडियो फॉर्म में कुकू FM ऐप में सुन सकते हो। अगर आप लोगों को पता नहीं है कि कुकू FM ऐप क्या है तो मैं आप लोगों को बता दूं, कुकू FM ऐप हमारा मेड इन इंडिया ऐप है जिसे 4.5 से भी ज़्यादा रेटिंग मिली हुई है। ये हमारा इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप 10,000 से भी ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के ऊपर ऑडियो फॉर्म में बुक और ऑडियो फॉर्म में बुक समरी सुन सकते हो। अभी कुकू FM ऐप का नॉर्मली जो एनुअल सब्सक्रिप्शन रेट है ना वो 399 होता है, बट जैसे कि आप लोगों को पता है कि कुकू FM ऐप ने हमारे वीडियो को स्पॉन्सर किया है तो हमारे फर्स्ट 250 यूजर्स को जो ये कूपन कोड यूज करेंगे VTK50 उसको 50% डिस्काउंट मिलेगा और उसका जो सब्सक्रिप्शन रेट है वो 399 से घटकर 199 हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को कुकू FM ऐप डाउनलोड करना है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो ऐप जरूर डाउनलोड करिए। और अगर आप लोगों को जो मैंने बुक बताई है उसको पूरा ऑडियो फॉर्म में सुनना है तो उसकी भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर डाउनलोड करिए। तो अभी मैं आप लोगों को क्या करता हूं ना, जो बुलिश एंगलफिन और बेरिश एंगलफिन पैटर्न है ना उसके कुछ आप लोगों को एग्जांपल बताता हूं तो आप लोगों को भी आइडिया आ जाएगा कि अगर हम लोगों को फ्यूचर में किसी भी चार्ट में ऐसी कोई फॉर्मेशन होती है, पैटर्न आता है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। अभी देखो आप लोग जो स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये भारतीय एयरटेल का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और ये जो मैंने आप लोगों को चार्ट दिखाया ना ये रिसेंटली मार्च 22 का ही है। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए सोचा कि ये दिखा दूँ। अभी देखो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि भारतीय एयरटेल का जो ट्रेंड है वो मतलब डाउन साइड में ही चल रहा था, कुछ खास था नहीं भारतीय एयरटेल के ट्रेंड में। और आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो जो मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन की कि पहले भारतीय एयरटेल के डाउन साइड के ट्रेंड में आप लोगों को यहाँ पे एक रेड कैंडल दिखाई दिया और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल ओपन हुआ है वो हमारा ओपन ऑब्वियसली देखो ये जो रेड कैंडल है उसका लो क्या था 650 और ये जो ग्रीन कैंडल है उसका ओपन क्या था 640। मतलब रेड कैंडल के नीचे ये नेक्स्ट कैंडल ओपन हुआ बट जो इसकी क्लोजिंग है वो हमारे रेड कैंडल के हाई के भी ऊपर क्लोज हुई। मतलब यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्या बताने की कोशिश की कि ये ग्रीन कैंडल ने ये पूरे रेड कैंडल को कवर कर लिया। अभी आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों का ट्रेड कैसे इनिशिएट करना चाहिए वो भी बहुत सिंपल है। आप लोगों को ये ग्रीन कैंडल का जो हाई है वो मार्क कर लेना चाहिए और आप लोगों को नेक्स्ट डे का वेट करना चाहिए। जैसे अपना जो नेक्स्ट कैंडल है वो हमारे ये ग्रीन कैंडल के हाई को ब्रेक करता है वैसे ही हमारा बाय ट्रेड एग्जीक्यूट होना चाहिए और आप लोगों का जो भी स्टॉप लॉस है वो हमारा ये ग्रीन कैंडल का लो बनता है। अभी यहाँ पे देखो हमारा बाय ट्रिगर हुआ 679 पे तो हम लोग ऐसे सोचते हैं कि हमारा बाय ट्रिगर हुआ समवेयर अराउंड 680 में और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो समवेयर अराउंड 640 का बन रहा है तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 40 रुपीज का हमारा स्टॉप लॉस है। तो आप लोगों का जो टारगेट है ना वो 1:2 या 1:3 होना चाहिए, मिनिमम 1:2 तो होना ही चाहिए बिकॉज हम लोग डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। और उसके बाद आप देख सकते हो कि भारतीय एयरटेल में हम लोगों को एक बहुत ही अच्छी रैली देखने मिली। तो यहाँ पे जो बुलिश एंगलफिन पैटर्न है उसके बेसिस पे हम लोगों को पता चला कि भारतीय एयरटेल का बॉटम बन गया है और हम लोगों को एक रिवर्सल देखने मिला। और अगर आपने वो टाइम पे ये ट्रेड को लिया होता तो आप लोगों का एक अच्छा प्रॉफिट होता, मेरे ख्याल से 1:3 आ ही जाता। दूसरा जो एग्जांपल मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ ना वो TCS का है और ये करंट एग्जांपल है। अभी आप देखो TCS में फिलहाल एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड चल रहा है और रिसेंटली मैंने आप लोगों को बताया था कि IT इंडेक्स में हम लोगों को एक अपसाइड देखने मिल सकता है। अभी आप यहाँ पे देखो कि एक यहाँ पे आप लोगों को ध्यान से देखो रेड कैंडल दिखेगा और उसके बाद जो दूसरा कैंडल है वो वापस से वैसा ही हुआ है। ये जो रेड कैंडल का लो था उसके नीचे ग्रीन कैंडल ओपन हुआ और पूरा ये रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने कवर कर लिया है।
अभी यहाँ पे आप लोगों का ट्रेड क्या होना चाहिए, जैसे ही ये रेड कैंडल हमारी ये ग्रीन कैंडल को ब्रेक करेगा जो नेक्स्ट कैंडल ने किया ही है, तो आप लोगों को आपका ट्रेड बाय करना चाहिए और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ये ग्रीन कैंडल का लो होना चाहिए। और अभी रिसेंटली ये ब्रेक करने के बाद 4 ही दिन हुए हैं तो ये हमारा लेटेस्ट एग्जाम्पल है, बट अभी आप ये ट्रेड को नहीं ले सकते हो बिकॉज हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो फेवर में नहीं है, बट एग्जाम्पल था तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी मैंने आप लोगों को 2 एग्जाम्पल बता दिए बुलिश एंगलफिन पैटर्न के, अभी मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ बेरिश एंगलफिन पैटर्न के। अभी देखो यहाँ पे आप देख रहे हो ये वेदांता का अगेन डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, वेदांता भी एक अच्छा अप ट्रेंड में चल रहा था और हमें यहाँ पे अप ट्रेंड में हम लोगों को एक पहले ग्रीन कैंडल दिखा उसके बाद एक रेड कैंडल दिखा है। अभी देखो ये ग्रीन कैंडल का जो हाई था ना आप यहाँ पे देख सकते हो 192.30 था और ये ग्रीन कैंडल का जो ओपन था वो अपने हाई के ऊपर था विच इज 194.10। तो यहाँ पे आप लोगों को एक क्लियर चीज देखने मिल रही है कि नेक्स्ट कैंडल ने एक गैप अप ओपन किया था बट उसका जो क्लोज है वो खराब आया, तो आप इसीलिए यहाँ पे देख रहे हो कि ये रेड कैंडल ने ये पूरे ग्रीन कैंडल को कवर कर लिया था। अभी यहाँ पे आप लोगों का ट्रेड कैसे आप लोगों को करना चाहिए, जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ने अपने ये रेड कैंडल का लो ब्रेक किया, देखो यहाँ पे क्या हुआ कि ये वाले कैंडल ने ब्रेक नहीं किया और सेकंड कैंडल ने ब्रेक नहीं किया बट थर्ड कैंडल ने ब्रेक किया, तो आप लोगों को आपका शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए और आप लोगों का जो स्टॉप लॉस है वो हमारे रेड कैंडल का हाई होना चाहिए। और अगेन आप उसके बाद देख सकते हो कि वेदांता में भी हम लोगों को एक अच्छी खासी डाउन साइड की रैली देखने मिली। और एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को निफ्टी का बताता हूँ, ये जो आप चार्ट देख रहे हो निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि निफ्टी में एक अच्छी खासी रैली चल रही थी और यहाँ पे आप लोगों को अगेन सेम एक बेरिश एंगलफिन पैटर्न देखने मिल रहा है। अभी यहाँ पे आप लोगों को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों का ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए, आप लोगों को लो को मार्क करना चाहिए, जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ने ये लो को ब्रेक किया आप लोगों को शॉर्ट करना चाहिए विद द रेड कैंडल हाई और उसके बाद आप देख सकते हो कि हमें निफ्टी में भी कितना अच्छा फॉल देखने मिला। अभी यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया कि बुलिश और बेरिश एंगलफिन पैटर्न होता क्या है, इसमें आप लोगों को कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करने चाहिए और ये एक रिवर्सल पैटर्न होता है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पे ये पैटर्न फॉर्म होते हैं और हमारे लिए कभी ना कभी मतलब एक आइडिया दे देते हैं कि भाई अभी मार्केट में क्या होने वाला है। तो आई होप ये वीडियो देख के आप लोगों को अभी समझ गया होगा कि बुलिश और बेरिश एंगलफिन पैटर्न क्या है और उसके बेसिस पे हम लोगों को कैसे ट्रेड लेना चाहिए। और हाँ, अगर आप लोगों को दिल्ली में हमारी जो मीटअप है उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं दिल्ली में आ रहा हूँ 18 सितंबर को, अभी वहाँ पे मीटअप में हमारी कुछ ही सीट्स अवेलेबल है, तो अगर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है तो आप रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर लीजिए। अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो, अगर आप लोगों को ये पूरी सीरीज़ अच्छी लगी है और आप लोगों को ज़रा भी इससे फ़ायदा हो रहा है तो आप ये सीरीज़ के सारे वीडियोज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो, आप प्लेलिस्ट शेयर कर सकते हो और आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।